वॉर के बीच एक चेहरा ऐसा भी है जिसकी चर्चा इंटरनेशनल मीडिया में खूब हो रही है। पुतिन के साथ ये वो शख्स है जो बेहद खतरनाक है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये पुतिन के लिए जान भी दे सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। वो दुश्मनों को मिसाइलों से नहीं मारता, वो दुश्मनों को टैंकों से भी नहीं रौंदता, वो दुश्मनों पर रॉकेट भी नहीं बरसाता। तो फिर क्या करता है? वो दुश्मनों के गले काटता है। वो बेहद खतरनाक है, लेकिन पुतिन का सबसे बड़ा वफादार है। नाम है रमजान कादिरोव। 40 साल का रमजान कादिरोव रूस के चेचन्या प्रांत का प्रमुख है। जानते हैं पुतिन के बारे में रमजान कादिरोव क्या कहता है। वो कहता है, पुतिन की नीतियां और शब्द मेरे लिए कानून है। मैं पुतिन का सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं, एक इंसान के रूप में भी सम्मान करता हूं। उन्होंने हमारे लोगों को बचाया है, वो एक हीरो है, वो ईश्वर का तोहफा है। इस समय जब रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है तो वो अपनी वफादारी साबित करना चाहता है और इसीलिए उसने अपने खतरनाक लड़ाके यूक्रेन भेजे हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने यूक्रेन पर हमला करने आए चेचन्या ग्रुप के लड़ाकों को मार गिराया, जबकि चेचन्या या रूस की ओर से इस दावे की पुष्टि नहीं की गई है। कहा जाता है कि कादिरोव के लड़ाके जहां भी लड़ते हैं बेहद बर्बर हो जाते हैं और पुतिन से भी कादिरोव की उम्मीद ऐसी ही है। दावा किया जा रहा है कि रमजान कादिरोव ने 10,000 लड़ाकों को रूस की तरफ से यूक्रेन में लड़ने के लिए भेजा है। उसके पास रूस की दी गई हिटलिस्ट है। कादिरोव ने यूक्रेन के एक टैंक को तबाह करने पर $20,000 का इनाम रखा है। वो इस जंग को और ज्यादा बर्बर बनाना चाहता है। कादिरोव पुतिन का ऐसा वफादार है जो उनके कहने पर अपनी जान भी दे सकता है और जरूरत पड़ने पर किसी की जान ले भी सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.